एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसराइल से ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। इसराइल पर मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, लगातार मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। 200 से ज्यादा मिसाइलें इसराइल पर अभी तक दागी गई है। कई मिसाइलों को हवा में तबाह भी कर दिया गया है। इसके बाद पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं और लोगों से बंकरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी बंकर में ले जाया गया है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को हमले का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो 200 से ज्यादा ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी गई है, लेकिन अमेरिका अब मिडल ईस्ट के इस युद्ध में कूद पड़ा है। उन्होंने कहा है कि नतीजा बहुत बुरा होगा और पूरी तरह से ईरान इस चीज का नतीजा भुगतेगा। इसराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। बाइडेन ने ये बयान जारी किया है। इससे पहले भी 13 अप्रैल को ये बयान जारी किया गया था अमेरिका की तरफ से, जब पहले मिसाइलें अटैक को रोका गया था। तो ईरान को हमले का नतीजा भुगतना पड़ेगा, ये बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन की तरफ से दिया गया। और व्हाइट हाउस में लगातार हलचल इसके बाद तेज हो गई है।